नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा ने किया भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ का गठन। जिला स्तर पर की जाएगी इकाई गठित। भाजपा प्रदेश सह प्रवक्ता भारत भूषण ने दी है प्रेस वार्ता को जानकारी। भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ का भी किया जा चुका है गठन। राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य। हरियाणा में करीब 8 लाख उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं। जिला स्तर पर इकाइयों के गठन के बाद में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का होगा आयोजन। भाजपा ने सबसे पहले प्रवासी हरियाणा निवासियों को दी है राजनीतिक मान्यता। आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना। मील का पत्थर साबित होगा यह स्वास्थ्य योजना। देश के 50 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। कल से पूरे देश में शुरू होने जा रही है यह योजना। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसकी जिला स्तर की इकाई गठित करने के लिए आज सिरसा में शुरुआत की गई। भाजपा प्रदेश यह प्रवक्ता भारत भूषण ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के लोगों को हरियाणा में राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में करीब 8 लाख उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं। उन्होंने भाजपा की नीति के बारे में बताया कि उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जिला स्तर पर इकाई गठित करने के बाद में एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हरियाणा में प्रवासी लोगों को मान्यता दी है। उन्होंने बताया कि देश में शुरू होने वाली भारत की विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना है और यह योजना स्वास्थ्य के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिल पाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस योजना के अंतर्गत उनको लाया जाएगा और उनके इलाज के लिए कैशलेस सुविधा भी दी जाएगी। आप देखिए जिस प्रकार से उत्तराखंड प्रकोष्ठ का गठन किया गया, इसी तर्ज पर पूर्वांचल प्रकोष्ठ का भी हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार ने, भाजपा संगठन ने गठन किया है। तो हर जिला में हम इकाई का गठन करेंगे, जिला संयोजक और उनके अंतर्गत कार्यकारिणी का गठन करेंगे सभी जिलों में, और फिर बहुत शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर जो है उत्तराखंड के लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस प्रकोष्ठ के माध्यम से करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के रीतनाथ के साथ जुड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास करते हुए आगे राजनीतिक भागीदारी करेंगे। तो 8 लाख लोगों की जनसंख्या उत्तराखंडियों के हरियाणा प्रदेश में है और वो भी चिन्हित है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो हमारी समाज के साथ सीधे संपर्क में नहीं है, तो इसलिए हम उनकी जनता कर भी नहीं पाए होंगे। लेकिन 8 लाख लगभग लोगों की जनसंख्या है। आयुष्मान भारत योजना जो है भारतवर्ष की नहीं, आज तक की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को केंद्र सरकार जो है इस योजना के साथ जोड़ रही है, और औसतन 5 लोगों को भी एक परिवार से जोड़ें तो 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं। बहुत बड़ी योजना है और भारतवर्ष में जो ये योजना है मील का पत्थर साबित होने जा रही है। बिल्कुल कैशलेस है, कार्ड दिखाने के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होगा और उस कार्ड के आधार पर जो है गवर्नमेंट उसको हॉस्पिटल को पैसा अपने आप पे करेगी। उसमें जो लाभान्वित है उसको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी।